व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई YouTube चैनल। सो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और तकरीबन 34 वीडियो अपलोडेड हैं इस चैनल पे। सो यहाँ पे कई मेरे प्रोजेक्ट हैं, यानी कॉलेज लाइफ में जो प्रोजेक्ट होते हैं, यानी कि यूपीएस की वायरिंग, सीरीज बोर्ड, यानी कि इलेक्ट्रिकल के मुतलिक और इलेक्ट्रिशियन के मुतलिक और यूनिक जो वीडियोस होती हैं, टेक्निकल वीडियो होती हैं, उसके रिलेटेड जो मैंने वीडियोज़ खुद बनाकर अपलोड की हैं। सो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं कैमरे के सामने आके अपनी जो गुफ्तगू कर रहा हूँ आपके साथ। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कैसा आपके साथ रहा। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मेरा नाम है आसिम और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं। अब मैं दुबई में मूव हो चुका हूं और मेरी एज 20 एज है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेरी क्वालिफिकेशन मैट्रिक क्लास तक है, यानी कि उसमें साइंस सब्जेक्ट थे। सो इसके अलावा मैंने 3 साल का डिप्लोमा गुजरात स्वीडिश कॉलेज में, शायद आपने नाम सुना हो, गुजरात का मेन जो है, यानी कि पूरे पाकिस्तान का जो मेन स्वीडिश कॉलेज है, बहुत फेमस है, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको टॉप पर मिलेगा जी। तो इससे कबल जो मेरी वीडियोस अपलोड हुई हैं, तकरीबन 34 वीडियो अपलोडेड हैं। सो ये मेरी सारी की सारी तकरीबन पाकिस्तान में, एक वीडियो है जो दुबई में मैंने अपलोड की है, यानी कि वो था लाहौर से जो दुबई का सफ़र होता है एमरेट्स फ्लाइट में, वो मैंने शेयर किया है जी। तो डिप्लोमे की बात करें, इसमें मेरा जो डिप्लोमा था इलेक्ट्रिशियन का था और HVACR का, यानी कि हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, उसमें यही होता है कि AC का काम सिंपली जिसे समझ आती है, AC फ्रिज का काम बोलते हैं, यानी कि एयर कंडीशनिंग, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, इसका मतलब यही होता है कि ये यानी कि AC का काम आता है, इसे AC का काम सीखता है। सो इसमें जो 3 साल का अरसा था, इसमें थ्योरी जो प्रैक्टिकल जो सारे डायग्राम के मुताबिक समझाते हैं, यानी कि ताकि आउट ऑफ कंट्री में काम करने में आपको आसानी हो जी। तो सबसे पहले आपको ये आपके इलम में होना चाहिए कि जो आप डिप्लोमा कर रहे हैं वो आपके माइंड सेट में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा बचपन से शौक़ था कि मैं कुछ ना कुछ यूनिक करूं, कुछ डिफरेंट करूं, कोई ऐसी चीज़ बनाऊं, यानी कि सब लोग उसे मुतासर हों। सो इसी अपने माइंड को मैंने सेट करते हुए डिप्लोमा 3 साल का किया, यानी कि अब मैं पाकिस्तान से दुबई में मूव हो चुका हूँ, यानी कि यहाँ की जो क्वालिटी है, यानी कि बोले तो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ही डिफरेंट है। सो मेरा जो मेन मकसद यही है, वो न्यू टेक्नोलॉजी है वो आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में हैं, लेकिन मैंने भी पाकिस्तान में 1 ईयर जो वर्कशॉप में काम किया, लेकिन वहाँ के जो काम से पाकिस्तान को दुबई के काम से बहुत सारा डिफरेंट है। सो उसी डिफरेंट को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जी। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है, दुबई की टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में काम करते हैं लेकिन दुबई में आके फिर उन्हें यानी कि 1 साल 2 साल तक उसे मैनुअल यानी कि सीखना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे एयर कंडीशनिंग बहुत कम है पाकिस्तान में, यानी कि ना होने के है सही, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक उसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे दुबई की बात करें, यहाँ पे बिल्डिंग लैंड की जो एयर कंडीशनिंग, यानी कि इसे चिलर वाटर के थ्रू पूरे जो रूम में जो एयर कंडीशनिंग होती है उसी के थ्रू होती है, यानी कि उसमें गैस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सो यहाँ पे विले और छोटे छोटे घर होते हैं, वहाँ पे एयर कंडीशनिंग यूज़ होती है। तो यूज़ होने वाली जो गैसेस हैं उसमें R12 हैं और एक जो इन्वर्टर AC में यूज़ हो रही है 410 मेरे आई थिंक वही है जो गैस यूज़ हो रही है। सो न्यू जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो तकरीबन कन्वर्ट हो रही है, यानी कि 22 नंबर गैस से 410 जो नंबर गैस में कन्वर्ट होती जा रही है जी। तो दुबई में मूव होने के बाद यहाँ पे जो मेरा काम है जो इसी के रिलेटेड है, यानी कि जो पाकिस्तान में मैं किया करता था, एयर कंडीशनिंग का काम था, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल जो भी काम था, यूनिक काम था, यानी कि उसी चीज़ को फॉलो अप करते हुए मैं दुबई में ट्रांसफ़र हुआ। सो यहाँ पे जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ न्यू टेक्नोलॉजी, एयर कंडीशनिंग, चिलर वाटर, बिल्डिंग लैंड में जो यूज़ होने वाले एयर कंडीशनिंग, यानी कि मैं इसे नाम दिया जाता है मेंटेनेंस का काम, यानी कि मेंटेनेंस वो चीज़ है, यानी कि मेंटेनेंस टेक्नीशियन, मेंटेनेंस AC का, यानी कि बहाली का इसे कहा जाता है नाम इस कंपनी को, मतलब मेंटेनेंस का नाम से इसीलिए जाना जाता है कि घर में जो भी होने वाली प्रॉब्लम है, यानी कि उसमें प्लम्बरिंग हो, टाइल का काम हो, मार्बल, यानी कि इलेक्ट्रिशियन वायरिंग जो भी काम हो, इसे मेंटेनेंस का नाम दे के मुकम्मल इसमें दायरे में सारी चीज़ें जो टेक्निकल यूनिक चीज़ें होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं जी। तो इस चैनल में मैं टेक्निकल यूनिक जो वीडियोज़ होती हैं उसके अलावा मैं यहाँ पर कोशिश किया करूँगा कि ट्रैवलिंग की या व्लॉग टाइप की वीडियोज़ बनाया करूँ, या मेरा ख्वाहिश है कि मैं एक अलग और चैनल, लेकिन नहीं, मैंने कहा इसी चैनल को ट्रेंड को मतलब फॉलो अप करते हुए, यानी कि दुबई के जो व्लॉग्स हैं वो भी बहुत कमाल के व्लॉग्स होते हैं। सो कोशिश किया करूँगा कि यहाँ के जो व्लॉग्स हैं उसे मैं फॉलो अप करते हुए आपके सामने पेश करूँ। सो लास्ट में आपको यही बताना चाहूँगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इस चैनल पर, उसे ध्यान से
देखें, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी भी मिस्टेक आपको बहुत सारा खसारा दे सकती है। सो वीडियो को ध्यान से देखा करें और उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको वहाँ से आगाही हासिल करूँ। तो आई होप कि आपको ये मेरा इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये मेरा पहला सेटअप था कि मैं कैमरे के सामने होकर आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट था। सो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल के साथ फॉलोअप, यहाँ की जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट है पाकिस्तान और दुबई में, क्योंकि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है ओल्ड टेक्नोलॉजी है। ये वीडियो अपलोड करते हुए तकरीबन मुझे 3 माह, या जब से मैं पाकिस्तान से दुबई में आया हूँ, तो कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की सिवाय एक के, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, जो लाहौर से दुबई का जो सफ़र है वो एमरेट्स फ्लाइट के साथ आपके साथ मैंने शेयर किया, वो भी मैंने वीडियो अपलोड की है। मेरा ये बहुत दिनों से प्लान था कि आपके साथ एक दफ़ा गुफ्तगू करूं। मेरा जो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी था कि आप इंट्रोडक्शन यानी कि किस बारे में आप वीडियो बनाते हैं, वो सारा डिटेल के साथ मैंने वो बताया हुआ है। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका मेज़बान आसिफ़।